फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो प्रमाद ले लेंगे भाई देंगे बट सबसे लार्जेस्ट इस क्लाइंबिंग का 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइड टू स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द पोल इज द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री ओके सपोज आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ऑन द एक पोल होता है तुम अगर सर्कल देखी हो वो पोल होता है कि बनने टाइट कितना दा स्ट्रिंग बड़ा मजबूत ना स्ट्रिंग वो उधर ना लोग पाज देने वो पाज देने जो रफ्तार वेलोसिटी बढ़ जाती है तो अपने जो पैर ने और जमीन तो छक देते हैं तो उधर ना ही रोल करना शुरू कर देते हैं इस तरीके से मान लो ये पोल है इन्हें धागा बनने और इतने क्लाइंब कर रहे हैं तो जो क्लिप करता पे आओ तो वो एंड ऑफ एलिवेशन कितना बचे 30 डिग्री हाँ जी पता की करना सी हाइट ऑफ द पोल पोल की हाइट अपन बनी है ओके इट मीन्स असी एच फाइंड करनी हाइट ऑफ द पोल ओके होर की दिता है यदि लंबाई दी है पोल की सॉरी यह अपन लभनी है लेंथ दी होगी फिर कि 20 मीटर हूँ इस बच्चे जो मैं गल कह समझावगा तीन ध्यान समझो सब तो पहले तो पी ओवर एच बी ओवर एच और पी ओवर बी मैं तुम दस्या सी तुसी चाहे साइन लगाओ चाहे टैन लगाओ चाहे कोस लगाओ एक वैल्यू तुम उच्चों मिल जानी अगर साइन 30 लगाओगे तुम वैल्यू पता है अगर कोट 30 लगाओगे तुम वैल्यू पता है सीकेंट लगाओगे तुम वैल्यू पता है 30 डिग्री से पहले यू ऑल नो वट इज़ द वैल्यू ऑफ टैन साइन कोज सीकेंट कोज का रेशो एट 30 डिग्री तुम्हें पता है पर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि रेशो लगाइए सानू ज़्यादा भाई दौड़ना करनी पवे साढ़े को आंसर ठीक है वो पर्टिकुलर असं देखते हैं नहीं हूँ देखो बच्चे सब तो देखी था गिवन की है और लभना की है यह चीज़ है इतने एंगल ऑफ एलिवेशन भुल जाओ एंगल ऑफ एलिवेशन भुलन की गल की है क्योंकि मैं पता है अगर मैं टैन लगाव चाहे साइन लगाव चाहे कोस लगाव चाहे कोण लगाव एनी रेशो पिक एनी रेशो 30 डिग्री से मैं पता टेबल से वैल्यू पई है ना सारे रेशो की इट मीनस यही कोई चिंता नहीं सू असी लभना की चाहते हैं असी एच लभना हूँ एच का और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन इतने केड़ा है साइन इट मीनस डेफिनेटली वी विल पिक अप साइन द वैल्यू ऑफ साइन एट 30 डिग्री अंडरस्टैंड पता लगा इट मीन साइन 30 डिग्री अगर मैं लगाव तो मेरे को पी ओवर एच आ जाता है और साइन 30 डिग्री वैल्यू बच्चे जितने की है 1.2 वेरी गुड 1.2 पी इज स्मॉल एच एच इज 20 सो 20 इधर आ गया 20/2 वट 10 सो 10 मीटर इज द हाइट ऑफ अ पोल सो सिंपल मैटर इज नॉट हेयर मैटर इज विद दिस साइज विच रेशियो शुड पिक टू डिटरमाइन विच इज नॉट विच इज अनोन केड़ी अनोन चीज है वो अनोन मास्टर हां जी पूरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करो A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. Okay, okay. एक ट्री है यू मीन एक ट्री है और टूट गया है ना यही है ना स्टेटमेंट सेंस एक ट्री है देखो ट्री है इधर बड़ा डोटी जो लाइन है यह हिस्सा टूट गया ऑब्वियस है ट्री नीचे इस तरह लीक करेगा है ना तो वह जो टोप का आह वाला पार्ट ना इन मान लिया ए यह टुट के नीचे डिग गया ग्राउंड से इस तरीके ट्री का जो तना है वह हले भी खड़ा है और ए पॉइंट ए तो बन गया ए डैश ए पॉइंट बोल दो सी ए पॉइंट बोल दो बी पॉइंट ओबवियस है राइट एंगल ट्राइंगल होएगा क्योंकि जो पेन ग्राउंड तो राइट एंगल ट्राइंगल ग्राउंड है वो तो होएगा हाँ जी बच्चे कितना बोल रहे एंगल ऑफ एलिवेशन हाँ जी 30 डिग्री डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद 30 डिग्री बिकॉज यू नो द वैल्यू इज अवेलेबल एट एनी रेशो है ना विद एनी रेशो यू कैन कैलकुलेट हाँ जी बच्चे The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters.
8 meter. You mean to say this distance is 8? It is away from 8 meter. ठीक है ना, इथे ट्री डिग है और इथे फुट है. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ द ट्री यू मीन एक्चुअली द स्टेटमेंट सेज यू नीड टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस है ना, ए टू बी. दरख्त कितना लंबा सी, वो टूट गया और टूट गया, इट मीन्स यू नो यू वांट टू नो एक्चुअली ए डैश सी प्लस सी बी है ना. असी टुटा हिस्सा है ना, टुटा हिस्सा ना गलत का, इनू प्लस इनू, इनू तो इनू जोड़ देना तो आ जाएगा हाइट ऑफ द की है जी ट्री. ओके हम देखो कुलार अगर बेटा तुम्हें क्या गया है तो तुम्हें कहा जाता कि ये कि रेशो पिक करोगे, तुम कि उठाओगे. हूँ एक्चुअली इतने गल सोचने वाली भी है, तुम ए भी चीज़ चाहिए है और ए भी चीज़ चाहिए है ना, दोनों चाहिए. हाँ जी तुम कि उठाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके उठाए कोई इसको अलावा कोई उठाना चाहे चलो जो नहीं उठाया पहले वो देख लो. अपना की बच्चे टैन की रेशो चुकी, तुम टैन चुके चलो ठीक है टैन लगाने टैन 30 degrees. टैन 30 degrees बच्चे बोलो की है परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर कितने की है बीसी और बेस कितना बच्चे 8. वो दसो टैन 30 की वैल्यू कितनी है. यस 1/√3 बी सी एंड 8 8 तो ला लो 8/√3 बी सी. सो बी सी की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर ली है, जो वैल्यू बेटा तुम उठाई सी वो बिल्कुल ठीक है, तुम जी रेशो उठाई है तुम अपने हिसाब से उठाई है बिल्कुल ठीक है. ओके यू नो अबाउट द पाइथागोरस. पाइथागोरस पाइथागोरस आती है सामू. You can apply Pythagoras here. Can you apply here? Yes, sir. ठीक है ना, वो अनदर इशू है. पर आप इतने एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, कोशिश करिए ट्रिग्नोमेट्री का आंसर आएगा. ठीक है चलो बच्चे कोई होर रेशो पिक करो. यस तू दस ये चो होर कोई रेशो पिक करके तुम तेरी वैल्यू निकाल सकते हो. कहना मतलब कि जिस एच आता हो कोई उठा ला. हाँ बी ओवर एच क्योंकि बेस भी है और एच भी आ जाएगा. ठीक है तुम यह रेशो उठाई कोस की, तुम साइन भी उठा सकते हो. क्यों? क्योंकि साइन भी एच है और परपेंडिकुलर गिवन है. ठीक है ना मेरी गल फॉलो करो जो मैं करवा रहा तुम. चलो तुम यह उठाई वैल्यू, तुम उठाई है कोस 30 degrees की वैल्यू उठाई है, रेशो उठाई है बी ओवर एच. बी का मीन्स 8, एच मीन्स अननोन hypotenuse a dash c दस यहाँ पे. हाँ जी बच्चे cos 30 degrees की वैल्यू अंडर 3/2 वैल्यू याद नहीं है तुम्हें. सो a dash c की वैल्यू की निकाल लो. am I right? इन उद्देश्य कर दोगे इधर जाके reciprocal इधर आ गया एच ही उधर जाके ऐसी प्रॉब्लम होगी 2/√3 बेस. सो इट मीन्स इट इज 16/. सो मैं लगता है तुहाडे कोल ए और ए बी दी जो लेंथ है वो तुहाडे कोल सी ए डैश सी प्लस सी बी विच इज ए डैश सी कितना आ गया 16/√3 और सी बी कितना आ गया तुहाडे कोल सी बी कितना है 8/√3. दिस इज द आंसर. इनू कर लो प्लस कर लो 24 होता ना 16 और 8 स्केल ऑफ क्या भी आएगा. हाँ से चेक कर दो ना, रैशनलाइज करना
रैशनलाइज कर लो। नहीं आंसर देखो ठीक आएगा अपना, इतने रैशनलाइज नहीं कर सकते। 100 कर लो इतने बन गया सर्कल 24 नीचे बन गया 3 3 ने घटता यह बन गया 8 ये तो फ्री भी आंसर। So 8 square root of 3 would be the answer. Yes. Yeah, answer. And the rationalize karta, it is up to you. You want to bring it as simplified simplest form or not? Par tade waste ehi main kahunga ki simplest form nikalo. Theek hai, jinna ho sake niche jada square root aanda paya us rationalize kar do. The answer will be good. Calculation beta tu hi karni hai. Tu hi hai. Chalo aaja fir next question par. Question number 3. A contractor planned to install 2 slides for the children to play in a park. Say again. A contractor planned to install 2 slides for okay. Children waste 2 slides lagani hai. Slide samajhde na? Oh, tade school lagaya. Bacche jithe utte chadh ke niche slide kar lena. Yes. Do slides lagani hai. Haan ji. For the children below the age of 5 years, अच्छा प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ओके वेट वेट वेट, जेडे बच्चे 5 साल तो छोटे ने ओना वास्ते अपन स्लाइड बनानी है जिदी लंबाई आएगी 1.5 मीटर। एही बेटा ठीक है स्लाइड में आएगी। हां इधर एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिता होगा तो दैट इज इंक्लाइंड एट इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके 30 डिग्री से इंक्लाइंड किया गया टू द ग्राउंड। Okay. As for at the children, she want to have a steep steep slide at a height of 3 meter. Okay. And incline at an angle of 60 degree. 60 degree. Okay. To the ground. What should be the length of the slide in each case? Each case de vich assi apa eh nikalna hai. Dekho, ede vich vadde bachche da aya va na. Vadde bachche da aya va. Odi apa height rakhi jithe podium te chadh ke jana 3 meter. Kyunki bachche vadde ne. स्लाइड उसका एंगल भी जरा 16 बड़ा रखा हुआ है। क्लियर। सो वो ज़्यादा तेजी नीचे आएंगे क्योंकि उच्चे उच्चे भी और उनका एंगल जरा इंक्लाइन एंगल वो 60 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है। सो ज़्यादा तेजी नीचे आएंगे क्योंकि बड़े ने ठीक है मैनेज कर लेंगे। सो इनू मैं ये स्लाइड लगना की है लेंथ हाइपोटेन्यूज कितना। तो हाइपोटेन्यूज मैं कैपिटल एच बोलता। इसी तरह छोटे बच्चों के वास्ते कितना 1.5 मीटर की ऊंचाई है और इनू मैं स्मॉल एच बोलता। फिर वही था पी ओवर एच बी ओवर एच पी ओवर बी। हाँ जी बेटा कड़ी रेशो उठाओगे ए वास्ते ये वास्ते मैं आप कर साइड वास्ते गल कर तुम निकालोगे पी ओवर एच बिल्कुल ठीक है। तो तुम पी ओवर एच कितनी साइन खा रहे हो तो कल अच्छा पागल है। we are not bound with this 30 degree. We know that ki edi value hoye. So P and H, ina dono ch ek noun hai, ek unknown hai. To obvious hai, batana nahi chahiye. To sine 30 degree means P over H. P is 1.5. H is unknown. Haan ji 30 degree value, sine di jaldi. 1.5. Yaad karni hai value sare ne. Makal aage na, parson di parson aana. Tanu suna tade suna. सारी वैल्यू पूछनी है 1 बाय 2 साइन 30 डिग्री 1 बाय 2 1.5 बाय h। हां जी बच्चे h की वैल्यू क्या आएगी फिर h इधर लगे 2 इधर लगे इट मींस आएगी 2 1.5 यही आएगी तो आएगी 3। 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगी तेरे को 3 क्योंकि 15 2 ना मतलब तो p आएगा 3.1 3.0 आएगा। ओके एच आ गया स्मॉल एच आ गया बच्चे ए आई दी हाइट ऑफ स्लाइड लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन एज्ड 5 अंडर अंडर 5। हां जी बच्चे तुसी दसो की गुरविंदर दा नाम की गुरशरण बच्चे एदे वास्ते की यूज करेगा हैं वेरी गुड पी ओवर एच अगेन साइन वैल्यू ऑफ साइन यूज करो 60 डिग्री h by 3 meter oh sorry 3 by h meter 3 meter by h meter sin 60 degree kitna bache
Under 3 by 2? Yes, under 3 by 2 is 3 by h. So h की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3 multiply 2 by under 3. इतने अगेन तुसी इनु रैशनलाइज कर सकते हो. If you wish to rationalize. So this is a h for small h and h in both case. Height of the slide, meter and meter. बस छोटे बच्चे वास्ते और बड़े बच्चे वास्ते इन फोन करना था काम मेरा काम है ठीक है बच्चे फोन करना था मामला हाँ जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा पढ़ो बच्चे See again. The angle of elevation of the top of the tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Okay. The angle of elevation of the top of tower from a point on the ground. It means tower hai, ek point hai ground se. A point hai. A point mein bolta hai. Ito angle of elevation kitna beta ban raha hai? 30 degree. Okay. 30 degree. From the top of the tower, okay, 30 degree. And ground to kine away? 30 meter. Okay, 30 meter away from the ground, this is point B. A is far, 30 meter far from B. And angle of elevation is 30 degree. Ki puchha agar? Height puchha? Very easy, jaldi calculate karo. Jaldi, happy. You will have a sign tan root square. That is tan root square. That is tan root square. Tabla Asha, Corona de Gake, Mumpatana, the Kirihan, Kirihan, Adre, Putter of Hair, the Luna Halo, the Martin of Kirihan. Yes, very good. Shabash. एक दो बच्चे बस गलत कर रहे बाकी ठीक कर रहे हैं आप ये डायग्राम नहीं बनी हाँ जी यूज tan 30 डिग्री क्यों क्योंकि P over B है P means H capital B means 30 1 by into 3 1 by into 3 ना 30 डिग्री हाँ H by 30 डिग्री So 30 means square root of 3. बच्चे simplify कितना है? हाँ simplify यू करना है. Am I right? Yes sir. Okay. My students are faster than me. तो ये मेरे को जाने में बात So it's very easy. If you have a knowledge about the concept, trigonometry is not a difficult job. It's so simple, interesting. Or statement padhne se bilkul galti nahi karti. Statement padhne se bilkul galti nahi. Zara ji statement galti hogi kam karao. Okay, sir, question saad ke. Main tuhanu extra question dunga, puzzling question thode dunga. Jadon thoda ek khatam ho janda. Phir tusi dekhiyo, phir enjoy kareo. Angle of elevation, depression and deposition and हाँ जी बच्चे नेक्स्ट हाँ जी बच्चे तो ही पढ़ो लास्ट बच्चे से अगेन हाँ ओके अबाउ द ग्राउंड है राइट राइट है ऑलरेडी है मैं उड़ा रहा हूँ ठीक है कितने मीटर है बच्चे 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड ठीक है The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. See again, थोड़ा नीचे का लेवल समझ ला दे। The string attached to the kite हाँ is temporarily tied to a point on the ground. Okay, a ground ना tied के तरह point ठीक है। The inclination of the string with the ground is 60 degrees. 60 degree okay. Find the
divide the length of the string, assuming that there is no slack in the string. Length of the string ओके, मतलब बिल्कुल स्ट्रेच खींची हुई है ना, सो दिस इज एच, मैं आपको बता दूंगा, जल्दी निकालो, देखो तुम कितना बड़ी आइडिया, सोचने की लोड़ ही मैंने कैसे यूज करना, हाँ भी तो दस की यूज करेगा, कितनी रेशियो यूज करेगा, यार क्या तुम जैसे कोई की यूज करोगे, साइन कोस टैन यूज करोगे, क्योंकि एच एंड पी है ना, पी और एच सोचने की लोड़ ज्यादा, तो साइन सिक्स यूज करोगे, पी ओवर एच यूज करोगे, हाँ जी, साइन 60 कितना, 1/2, ओह 1/√3, सॉरी 1/√3/2, 60/h, सो h मींस 40 √3 हाँ बच्चे पढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन बता, आप भी नहीं पढ़ना कि आ गया कोविड 20 हो गया मतलब 5 मिनट रिकॉर्डिंग होगी, 22 मिनट्स इतने इंटरनेट नेटवर्क है, मैं सोच रहा तुम्हारी क्लास जी है ना ऑनलाइन लगा दी लाइव सदी पूरे किन्ने भी जिन्ने भी लैक्चर लगता मेरा इतों लाइव ले लेंगे क्लास, ठीक है, जो बच्चे आए हो बस 5 मिनट के अंदर, मैं उतो बार बार एडमिट नहीं करता सर, 5 मिनट के अंदर ज्वाइन कर लो, ठीक है, विद इन 5 मिनट ज्वाइन कर लियो लिंक के नाल, मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सुना दूं, चलो नेक्स्ट बच्चे कौन पढ़ेगा, तेरे पूछा ले चल पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर कितना है, 6, हां जी 6 बड़े हैं, बाकी कर लो, दिया 5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग डिक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, हाँ जी फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, बच्चे डायग्राम बनाओ पहले दी, मैं देखना चाहता हूँ डायग्राम की बनाओ जल्दी सारे, क्वेश्चन नंबर 6 दी डायग्राम बनाओ,
आई स्टेटमेंट क्या है? यस इन्हें जो आपको डिस्टेंस लगना जो उन्हें क्या इत देखता डायग्राम चो आ मुंडा 1.5 मीटर है तुर के इतों तक आ गया यस वेरी गुड ठीक है यही है चलो स्टेटमेंट समझो सब तो पहले बात करना शुरू कर लिया अपन बच्चे देखो एक 30 मीटर लॉन्ग सॉरी ए 30 मीटर है सारी इतों लैके ए पॉइंट ले लो दिस पॉइंट इज आप बिल्डिंग है बी ई और ए ई लंबाई है बी ए भी टोटल बिल्डिंग है और बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एक लड़का खड़ा जिसकी हाइट है 1.5 फीट तो बच्चे मैं दसो ई और ए कितना होगा 30 माइनस इन्नी तो बच्चे की हाइट है ना इन्नी तो बच्चे की हाइट है बाकी बिल्डिंग है तो ए कितनी होगी हम डायग्राम ना यहाँ डायग्राम तो चलो मैं वैसे बनाई कितनी आएगी 28.5 है ना ऐ वाली है क्योंकि जो बिल्डिंग की हाइट जो बच्चे की हाइट माइनस कर दो हूँ बच्चे की अख ना देख रहे हो टॉप से तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 30 डिग्री फिर बच्चा की किया मुंडा अगे तुरदा तुरदा आ गया कि हाइट फर्क आएगा वो हाइट फर्क नहीं आएगा मगर एंगल ऑफ एलिवेशन से फर्क आ जाएगा वो कि हो गया 60 बढ़ गया 30 to 60 हो गया जो जो आप जाने किसी टॉवर तक तो आप उपर देखते जाते सारा जो आप दूरों देखा उस दरख्त को तो दूरों अपन आराम में देखता पाया वही टॉप जितना जो कोल जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन धोता चुकी पड़ेगी पूरे देखने वास्ते इस करके अगे इधर आया तो उन्होंने अपनी धोन उपर करनी पी 60 डिग्री 30 डिग्री बढ़ गई तो तुम्हें दसना यह डिस्टेंस कि आया बहुत ईजी है तुम पता करोगे पहले यह ट्राइंगल लो ए ट्राइंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कि आएगा 30 डिग्री डिटरमाइन कर लोगे ठीक है मैं आप ही करना कुछ नहीं ठीक है कर लोगे फिर तुम ट्राइंगल लो ये डिस्टेंस डिटरमाइन कर लोगे तो पूरे दे इन्ना घटा दो की आएगा पूरे दे इन्ना डिस्टेंस घटा दो की आएगा करो फिर सब तो पहले वे ट्राइंगल डी करो ट्राइंगल ए ई डी टैन लोगे तुम वेरी गुड टैन लोगे टैन 30 डिग्री की वैल्यू किसी बच्चे हाँ जी जब तक कोई मैसेज नहीं आता उस तक क्लास नहीं रहती ओके मेरा डी जो डिस्टेंस आया कि तड़ा आया बच्चे टैन 60 डिग्री दसो कि होता सॉरी सॉरी इतने 30 नहीं 28 आना है ना सॉरी इतने 28 आना क्योंकि आप आया लै रहे परपेंडिकुलर हो गया वेरी गुड ठीक है आपका टैन 60 डिग्री की वैल्यू दस
मेरा आंसर इतना है 28.5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा है आंसर पीछे हाँ सॉल्व करके आ गया 19.3 की सॉल्व करना पड़ेगा मैं दत्ती की दी है एक मिनट आठ छः हाँ कटे जाएगा तो सिंपलीफाई करते 28.5 को मैं पॉइंट हटा के लिख सकता नीचे 10 अपने वालों 3 इन कटिंग कर दो 7 से नहीं 9 से 7 से नहीं 3 टेबल से 28 नहीं ज़्यादा 27 9 से ना 93 हाँ जी बच्चे की सीखा सी एक लड़का सी 1.5 मीटर की हाइट सी तो टोटल बिल्डिंग की हाइट की आएगी 30 मीटर क्योंकि तो बिल्कुल सामने खड़ा है इस करके बिल्डिंग की हाइट के पिछों बच्चे की हाइट घटा दोगे तो 28.5 तक रुक आएगा परपेंडिकुलर आएगा वड्डे ट्राइंगल का तो छोटे ट्राइंगल का क्योंकि बच्चा पहले उत्थे खड़ा सी और बिल्डिंग देख रहे थे एंगल बनता पे 30 डिग्री तो बच्चा थोड़ी देर बाद अगे आ गया तो असं दसना कि अगे आया जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया सो यू हैव टू ट्राइंगल्स तो जो सब तो पहले वाला ट्राइंगल आ रहा है वो टैन 30 लगा के आप डी ई की वैल्यू लगा ली है पूरी डिस्टेंस उस तो बाद जरा छोटा ट्राइंगल है टैन 60 लगा के मैं सी ई की वैल्यू लगा ली वो मेरे को आ गई दिस वन ठीक है तो पूरी के वाली माइनस कर दी डी सी वैल्यू आ गई ईजी है क्वेश्चन हाँ बच्चे बिल्कुल भी